हाँ काली जय माँ काम व्याख्या। आप लोग कैसे मित्रों, आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा वशीकरण लेके आई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि आप किसी को सच्चे दिल से मन से प्यार करते हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तो आज आपके लिए मैं वैसे ही लेके आई हूँ। यदि आप अपने पति के ऊपर या प्रेमी के ऊपर वशीकरण करना चाहते हैं तो आपने ऐसा ही करना है। एक आप पुतला ले आएँ मार्केट से बना हुआ, या तो फिर ना आपके पास हो तो आटे का आप पुतला बना लें। और यदि आप अपने पति या प्रेमी के ऊपर वशीकरण करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। आपने मासिक धर्म का रक्त लेना है और आप थोड़ा सा निकाल के इसे कटोरी में रख लें, और एक आपने ऐसी कपूर लेना है। लेते हुए आप कपूर रख लें और ये कुमकुम रख लें और आप फूल वाली लौंग रख लें। तो आपने एक भोजपत्र भी ले आना है, भोजपत्र। और ये आपको जब भी मंथली आपको प्रॉब्लम होती है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, 24 घंटे के अंदर ही आप फर्स्ट डे इस वशीकरण को कर सकते हैं। यदि आप अपने पति को वश में करना चाहते हैं, प्रेमी को वश में करना चाहते हैं, यदि आपका कहना सुनना वो नहीं मान रहे और आप उनसे परेशान हैं, वश में करना चाहते हैं, तो आप इस वशीकरण को कर सकते हैं। आप एक पुतला ले लें और लेने के बाद आप इसको नहा धो लें बिल्कुल फर्स्ट डे, और उसके बाद आप इस भोजपत्र के ऊपर अपने प्यार का नाम, अपना नाम लिख लें, और रक्त से लिखना है आपने, योनि रक्त से, मासिक धर्म के रक्त से आप निकाल लें कटोरी में, और उसके बाद उसे थोड़ा सा तिली से करके या किसी भी चीज़ से करके आप इस पे अपने प्यार का और अपना नाम भोजपत्र पे लिख दें। उसके बाद उस पुतले को रख दें, और रखते हुए आपने भोजपत्र को रखना है, रख के आप इस भोजपत्र के ऊपर कपूर को जला दें। जला के और उसके बाद आपकी ये जो सारी चीज़ें जल जाएं, और इस पुतले को, भोजपत्र को, और उठा के आप किसी भी सुनसान जगह पर ले जाएं, और ले जा के इस भोजपत्र को और पुतले को दबा दें। दबा के और जो रक्त बचा होगा उस मिट्टी के ऊपर, उस रक्त को वहाँ पे छिड़क दें। छिड़क के वहाँ से बिल्कुल भी पलट के ना देखें और आप आ जाएं। जैसे आप आएंगे वहाँ से, वैसे आप देखेंगे कि आपके पति आपके वश में हो गए, प्रेमी आपके वश में हो गया। यदि आपसे शादी के लिए वो तैयार नहीं है तो ये ऑटोमेटिक अचानक से वो शादी के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपसे रूठ के कहीं दूर चला गया है, आपके पास उसकी कॉल नहीं आ रही, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो आपका प्यार रूठा हुआ, उसका फ़ोन आ जाएगा एकदम ही, और आपसे बातचीत होने लगेगी। आपने ऐसे ही करना है, दो इसके ऊपर लौंग रख दें, लौंग भी आप इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, और कपूर को भी रख के इसके ऊपर जला सकते हैं। और ये काम करके और आप इसको ले जाके सारी चीज़ों को सुनसान जगह पर दबाना है। और मंत्र आपको क्या करना है, कपूर को जलाते हुए मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। मंत्र आपने करना हैगा, ओम नमः देव आदि रूपय अमुक आकर्षण करू करू स्वाहा। इस मंत्र को करते ही आपके पति का, आपके प्रेमी का आकर्षण आपकी तरफ को बढ़ जाएगा, एकदम ही वो आपकी तरफ को देखना शुरू कर देंगे, आपकी बात को मानने लगेंगे। तो आपने योनि रक्त से इतना इजी तरीके से आसाम बंगाल का आप ऐसे ही वशीकरण कर सकते हैं, बिल्कुल प्रसन्न तरीके से होगा। आप अपने पति को घर बैठे बिठाए फ्री में वशीकरण करके अपने पति को पा सकते हैं। तो आपको ये वशीकरण कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर अच्छा लगा जय महाकाली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है गुरु माँ का, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो हर एक समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पुतले के ऊपर रक्त से आपने इसके ऊपर एक टीका भी लगा देना है, क्योंकि आप ये सोचें कि इस पुतले को, जैसे कि आपका प्रेमी है या आपका पति है, तो आपने ऐसे ही उसको वश में करना है। तो आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। आगे फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वशीकरण के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय माँ कामाख्या।